हमारी गाड़ी हरिद्वार से HP 37D 73 जो कि हरिद्वार से सातपुर धर्मशाला का टाइम लेके आ रही थी और पंजाब में आनंदपुर साहब में जो फाटक के पास जो है एक पीछे से हार गाड़ी में पंजाब के कुछ स्थानीय लोग नशे की हालत में आए और उन्होंने जो रॉन्ग साइड से जो है हमारी गाड़ी के साथ गाड़ी टकरा दी और ड्राइवर को चलती गाड़ी से जो उन्होंने खींच के नीचे फेंक दिया, जिसमें यात्री जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के जो है निकले। इसमें जो है कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले भी जो पंजाब में जो ऐसे मामले हो चुके हैं, अभी को 3 महीने पहले एक जो वैनार्ड रितु की गाड़ी जो है श्रीलक्ष गाड़ी थी, उसके साथ भी ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी, उसमें भी हमने FIR दर्ज कराई थी। और अभी जो है रात को पुलिस वाले जो आए वो भी उन स्थानीय लोगों की मदद कर रहे थे, हमारे चालक परिचालक की किसी ने भी मदद नहीं की। और चालक की जो है आज वहाँ आनंदपुर साहब से जो है रोपड़ ट्रांसफर किया था हॉस्पिटल के लिए, वहाँ से उसका एक्सरे वगैरह जो ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद जो है दोबारा वो आनंदपुर साहब आ गए हैं। इसमें रात को जो है 12:30 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को भी हमारे चालक परिचालक ने फोन किया, उन्होंने भी कड़ा संज्ञान लिया, अपना मैसेज ग्रुप में जो ऑफिशियली ग्रुप है उसमें डाला, जिसमें ऑफिसरों ने भी और जो हमारे प्रबंधन निदेशक जो हैं रोहन चंद ठाकुर जो हैं उन्होंने भी कड़ा संज्ञान लिया है कि इस मामले के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार से भी गुजारिश है कि जो डॉक्टरों के लिए जो मेडी पर्सन एक्ट बना है, चालक परिचालक को भी ऐसी सुविधा जो है मुहैया करवाई जाए, क्योंकि हम ड्राइवर यूनियन की तरफ से जो है सरकार से पहले भी मांग उठा चुके हैं कि ऐसे कड़े कानून की कार्रवाई की जाए, तब जो है ड्राइवर जो है या कनेक्टर अपने आप को जो है सुरक्षित समझे।